हरियाणा प्रदेश के महिला आयोग ने पुलिस पर निशाना साधा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन व उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने हिसार में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिसार व हांसी पुलिस जिलों के 80% मामलों में पुलिस द्वारा ही पीड़ितों को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली जो बात है, हिसार के अंदर सबसे ज्यादा अगर हरासमेंट है, हरासमेंट बाय पुलिस सबसे ज्यादा अगर केस आए हमारे पास, पीड़ित अगर परिवार सबसे ज्यादा हरास है, वो पुलिस प्रशासन से हरास है। वो हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और ये सरकार को भी हम अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे कि जिन अधिकारियों को हमने यहाँ ड्यूटी दी है, जो अधिकारी जन सेवा के लिए लगाए गए हैं, अगर उनके अंदर जन सेवा की भावना नहीं है, वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, अगर वो महिलाओं की समस्याओं का हल नहीं कर सकते, एक मैं आपको ये बताऊंगी, समस्याओं का हल करना दूसरा विषय है और उनके साथ संवेदनशीलता से बात करना, उनसे मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी जो बात रखी है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता है और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित करता है, यानी कि तीनों तरफ से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। प्रतिभा जी ने बताया कि एक पुलिस प्रशासन का थोड़ा ज्यादा हम लोगों को लगा कि एट्रोसिटी, आप एक वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट मिसबिहेवियर का उनके खिलाफ 70-80% मैटर्स आर पर्टेनिंग टू द पुलिस कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम, सो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। 50 के करीब हमारे पास केस थे हिसार के अंदर और बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हिसार प्रशासन के लिए, हिसार पुलिस के लिए, हांसी और हिसार पुलिस के लिए। जो आपने नोटिस किया, क्या आपको लगता है कि सरकार नोटिस नहीं कर पा रही थी इससे पहले कि पुलिस काम नहीं कर रही ठीक से? देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज अगर हमारे बाकी जिलों में भी एसपी जो है बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सो ये कहीं एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, सो आप एक्सेप्शन को टाल नहीं सकते। सो बाकी अगर आप हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, नहीं, यहाँ की जानकारी मैं ले रहा हूँ कि आपने कहा कि यहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही, तो क्या सरकार को नहीं पता इस बात के बारे में? देखिए, आप पुलिस काम नहीं कर, महिला आयोग से रिलेटेड कोई भी बात आप कर सकते हैं, हम जवाब देंगे।